हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पोटैटो ब्रेड सैंडविच बनाने वाले हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स है कुकिंग ऑयल 1/2 कप, कच्ची कैरी बारीक कटी हुई 1 टेबल स्पून, कड़ी पत्ते 10 से 12, हरी मिर्च बारीक पिसी हुई 6 से 8, हरा धनिया 1/2 कप, तीन टमाटर बारीक चॉप्ड किए हुए, तीन मीडियम साइज चॉप्ड प्याज, एंड हमें चाहिए नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, धनिया 1.5 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, राई 1 टेबल स्पून, हींग 1 चुटकी। साथ आलू को हमने बॉईल कर लिया है। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। उसमें हमें प्याज ऐड करनी है। हमें प्याज को लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। अब हम इसमें कड़ी पत्ते, टमाटर, कच्ची कैरी, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करना है। पहले पीली टी शर्ट डाल, बाद में ये डाल। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम उसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, राई, नमक और हींग। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 1-2 मिनट भून लेंगे। लाल मिर्च डालेंगे कि नहीं डालेंगे? अब हम इसमें बॉइल्ड आलू ऐड करेंगे। आलू के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है।
पीला कलर क्यों नहीं आ रहा? पीला कलर नहीं आएगा इसमें? नहीं आ रहा। देखिए हमारी ब्रेकफास्ट स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें हरा धनिया स्प्रेड कर देंगे। टोमेटो लेना है 1 कप, प्याज लेनी है 1 कप, और हमें ब्रेड पर लगाने के लिए सॉस चाहिए, टोमेटो सॉस। रेड चिली सॉस, इमली केचप, एंड हमें चाहिए ब्रेड। ये है हमारी स्टफिंग जो हमने रेडी की थी। हमें आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है ताकि उससे कोई भी बड़े टुकड़े ना रहे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। टमाटर भी ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हमें ब्रेड के 2 स्लाइसेस लेना है। एक स्लाइस पे हमें टोमेटो केचप को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। बंद कर। सेकेंड ब्रेड पे हमें उसके 2 हाफ करने हैं। हाफ साइड पे हमें टोमेटो केचप लगाना है और दूसरे साइड अब हम इमली केचप लगा देंगे एक साइड पे। सेकेंड साइड पे रेड चिली सॉस लगा देंगे। इससे सैंडविच का टेस्ट बहुत ही टेस्टी होता है। बनकर देखिए हमने हमारी ब्रेड की 2 स्लाइसेस रेडी कर ली। ये रही हमारी 2nd स्लाइस। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। बंद कर दें। बंद कर। ऐसे ही हम सारे ब्रेड्स रेडी कर लेंगे अपने। कटोरियाँ मत लेना, बैठती है। देखिए हमारे ब्रेड्स रेडी हो गए। आप चाहे तो इन ब्रेड्स को तवे पर भी सेक सकते हैं। हम इसे माइक्रोवेव में ग्रिल मोड पर करेंगे। अब हमें ग्रिल मोड पे
3 मिनट तक कर इसे रोस्ट करना है। हम 1.5 मिनट बाद में इसे पलट देंगे। देखिए हमारे ब्रेड रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।